गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आई एम डॉक्टर कल्पना लखेरा। आज हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी MED 104 के अंतर्गत शैक्षिक तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में तकनीकी को करीब लाने का एक प्रयास है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा मानव जीवन को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा ही मानव जीवन का स्पंदन है। शिक्षा ही गति है, शिक्षा ही विकास है, शिक्षा ही जीवन की शक्ति है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की एडुकेटम शब्द से हुई है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ट्यूको। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। इस प्रकार एडुकेटम शब्द का अर्थ बच्चे की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना है। अब हम शैक्षिक तकनीक की अगर परिभाषाओं को देखते हैं, रिचमंड के शब्दों में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली डिजाइंड लर्निंग सिचुएशंस which holding in view the objectives of the teaching or training to bring best means of instruction. G.O.M. Leith ke anusar, education technology is the application of scientific knowledge about learning and the condition of learning to improve effectiveness of teaching and training. Takniki vigyan ka kala mein prayog hai, taknik ka aadhar vigyan hai, तथा इसका कार्य प्रयोगात्मक कला का विकास करना है। विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान इस प्रकार करवाता है जिसे मानव स्वयं परीक्षण तथा अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। विज्ञान ने रचनात्मकता तथा निर्माण को जितना अधिक बढ़ावा दिया है वह सब तकनीक के माध्यम से ही संभव हुआ है। तकनीकी जहां एक ओर नवीन संगठनों, प्रतिमानों एवं अभिकल्पों का निर्माण करती है, वही दूसरी ओर यह मानव तथा मशीन प्रणाली की क्रिया को भी गठित करती है। शैक्षिक तकनीक के अर्थ को समझने के लिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत दो मुख्य बिंदु निहित हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा, शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक तकनीक की क्या विशेषताएं होती हैं। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। यह शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षण कला की देन है। यह शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करती है। शैक्षिक तकनीक का आधार क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान अर्थात विज्ञान है। शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम शिक्षण विधियों जैसे अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण आदि का विकास हुआ है। शैक्षिक तकनीक शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, प्रभावोत्पादक, बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाती है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सर्वप्रथम जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम इसके व्यवहार तकनीक पक्ष का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है, उसी प्रकार शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे बिहेवियर टेक्नोलॉजी अर्थात व्यवहार तकनीक।
मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा शिक्षा उस व्यवहार में वांछित संशोधन कर मनुष्य को समाज के आदर्शों तथा मानकों के अनुरूप बनाती है। इस प्रकार अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार का परिस्थिति से वैसा ही संबंध होता है जैसा अनुक्रिया का उद्दीपन से। गतिशीलता ही व्यवहार का प्राण है। इसी विशेषता के कारण व्यवहार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन का विषय बना है। व्यवहार जिस क्षेत्र में भी होता है परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कक्षा में समान परिस्थितियां होते हुए भी कुछ छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं जबकि अन्य बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। व्यवहार तकनीक शैक्षिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्यवहार तकनीक का कार्य क्षेत्र शिक्षक के कार्य व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना है। इसमें शिक्षक के व्यवहार को प्रभावशाली बनाने हेतु अनेक प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। इसका मुख्य आधार यह होता है कि टीचर बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, शिक्षक का व्यवहार निरीक्षणीय होता है। टीचर बिहेवियर इज मेजरेबल, शिक्षक का व्यवहार मापनीय है। टीचर बिहेवियर इज रिलेटिव, शिक्षक का व्यवहार सापेक्षिक है। टीचर बिहेवियर इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल, शिक्षक व्यवहार सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक है। टीचर बिहेवियर इज चेंजेबल, शिक्षक का व्यवहार परिवर्तनीय है। अर्थात बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से शिक्षक के व्यवहार को अध्ययन करते हैं। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अर्थात अनुदेशनात्मक तकनीक। शैक्षिक तकनीकी में अनुदेशनात्मक तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रारूप, शिक्षक के व्यवहार सिद्धांत, अभिक्रमित अधिगम आदि को सम्मिलित किया जाता है। अनुदेशनात्मक तकनीकी शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार डिजाइन करने चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने की एक क्रमबद्ध रीति है। यह शोध कार्य तथा मानवीय सीखने एवं आदान प्रदान की प्रक्रिया पर आधारित है। अनुदेशनात्मक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की कक्षागत या अधिगम परिस्थितियों में प्रयुक्त नवीन शिक्षण व्यवस्था है। इसकी मुख्य अवधारणा यह है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र स्वयं अध्ययन करके सीख सकते हैं। अनुदेशन के निरंतर प्रयोग से छात्रों को अधिगम हेतु समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस तकनीक में विविध विधियों एवं प्रविधियों की सहायता से अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें अधिगम तत्वों को तार्किक रूप में व्यवस्थित करके सीखने तथा समुचित वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम देखते हैं शिक्षण तकनीकी अर्थात टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। इसके दो मुख्य तत्व हैं, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण।
टीचिंग इज अ प्रोसेस टू अटेन सम प्रीडिसाइडेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. कैरिकुलम एंड कम्युनिकेशन आर टू मेन एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट. शिक्षण तकनीक को हम शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का मार्गदर्शन और शिक्षण का नियंत्रण के आधार पर समझ सकते हैं. शिक्षण नियोजन अर्थात प्लानिंग ऑफ टीचिंग. शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण सोपान नियोजन है. इस सोपान में शिक्षक पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, तत्पश्चात उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की क्रिया की जाती है. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शिक्षण व्यवस्था. इसमें शिक्षक शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, दृश्य श्रव्य उपकरणों का चयन कर ऐसा प्रभावपूर्ण वातावरण बनाता है जिससे सीखने के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके. तीसरा है शिक्षण का मार्गदर्शन. इस सोपान में शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए बार बार अभिप्रेरित करते हैं और उनका समाधान करते हैं. अगला शिक्षण का नियंत्रण अर्थात कंट्रोल. इस अंतिम सोपान में शिक्षक शिक्षण की सफलता हेतु छात्रों व स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, जिसके द्वारा छात्र की अभिव्यक्ति तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसकी जांच की जा सकती है. शिक्षण तकनीक के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को केंद्र बिंदु माना जाता है. शिक्षण तकनीक के माध्यम से ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है. शिक्षण तकनीकी अर्थात टीचिंग टेक्नोलॉजी में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तीनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं. शिक्षण तकनीक की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं सुग्राह्य बनाया जा सकता है. अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अर्थात अनुदेशन की रूपरेखा. आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षक जन्मजात ही नहीं होते, अपितु प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभावशाली शिक्षक तैयार भी किए जा सकते हैं. इस शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में अनुदेशन की रूपरेखा अपना विशेष महत्व रखती है. शैक्षिक तकनीक की वह शाखा जो शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों की रूपरेखा एवं नवीन उपागमों की ओर संकेत करती है, अनुदेशन का प्रारूप कहलाती है. अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल तथा प्रविधियों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करना है. इसके अंतर्गत वे सभी विधि, साधन, वातावरण सम्मिलित किए जाते हैं जो अधिगम को सुगमता और सरलता प्रदान करते हैं. अनुदेशन प्रारूप के आधार बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. नंबर एक थ्योरी अर्थात सिद्धांत. सिद्धांत में तथ्यों का प्रसार एवं व्यवस्था की जटिलता की व्याख्या की जाती है. इसमें उन तथ्यों की ओर संकेत किया जाता है जो परस्पर संबद्ध होते हैं. दूसरा है परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस. परिकल्पना के द्वारा भावी परिणाम की घोषणा की जाती है तथा उसका सत्यापन किया जाता है. तीसरा है मॉडल्स अर्थात प्रारूप. प्रारूप के द्वारा सिद्धांतों में निहित वेरिएबल्स की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है तथा आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण प्रस्तुत किया जाता है. चौथा है प्रतिमान. प्रतिमान अधिगम के मापन में सहायक होते हैं. प्रतिमानों का उपयोग सिद्धांतीकरण में भी किया जाता है. अधिगम तथा अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिमान के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती.
पांचवा नियम एवं सिद्धांत लॉज एंड प्रिंसिपल्स। नियम के अंतर्गत चर एवं अचर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है एवं सिद्धांत का अर्थ उन संबंधों से है जो अनुभव से सिद्ध होते हैं। थैंक यू।